हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बना रहे हैं सूजी गुजिया, जो बिहार में इसको पिरिकिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हम अभी सबसे पहले मैदा लिए हैं और मैदा में हम ये घी है, घी को डालते हैं। घी इसलिए डालते हैं क्योंकि घी डालने से होता है जो आटा पूरा सॉफ्ट बन जाता है मैदा, और गुजिया है जो बहुत अच्छी बनता है, इसलिए हम डाले हैं। और अभी हम ये मैदा को गूंद लेंगे, गूंदने के बाद पिरिकिया बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम घी गरम हो गया है, घी डाले हैं और अभी पिस्ता बादाम डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा भूनना है, और इसको निकाल देना है। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा देर रख देना है। और इसी घी में सूजी है, ये सूजी डाल देना है और इसको भूंजना है। जब तक भूनते रहें, जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक भूनें। लगभग 15 मिनट लगेगा इसको भूनने में, और भूनते ही रहे, भून लेंगे, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद ही इसको डालेंगे। ये पिस्ता ठंड हो गया है, अब हम इसको अच्छी तरह से महीन कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब ये सूजी भुना के पूरा लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो पिस्ता बादाम है, उसको हमने अच्छी तरह पूरा टुकड़ा कर दिया है। इसलिए टुकड़ा कर दिया है क्योंकि इससे जो है पूरा मिल जाएगा सूजी में, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये है किशमिश जो मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी, ये देखिए मैंने चीनी भी रख दी। अब इसको थोड़ी देर मिलाने के बाद हम इसको कढ़ाई को उतार देंगे। ये सूजी तैयार हो गया है। अब ये देखिए, मैंने लोई भी कर लिया है, आटा गुना गया है अच्छी तरह से, लोई भी कर लिया है। अब हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे। ये देखिए, हमने रोटी की तरह बेल लिए हैं और अब ये फरमा है गुजिया बनाने का। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे क्योंकि ये इसमें चपके नहीं, और इसको रख के और उतना ही इसमें डालना है कि ये फटकर बाहर ना आए, क्योंकि सूजी बाहर आ जाएगा, पूरा तेल में छितर आ जाएगा और अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। देखिए इसी तरह बनाना है। अब ये मेरा तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मेरा ये देखिए बन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे, एक तरफ से हम इसको अच्छी तरह पकने देते हैं ऐसा, उसके बाद हम इसको उलट देंगे। हम इसको एकदम स्थिर स्थिति में उलटना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें लग जाएगा तो ये फूट जाता है। दोस्तों अब मेरा गुजिया लगभग हो ही चुका है। अब ये गुजिया पककर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों, गुजिया बनके तैयार है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, एकदम बहुत अच्छा बना है।
देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा गुंजिया बनके तैयार हो गया है। बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।